नमस्कार, इंफॉर्मेशन देख रहे हो। मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उस वक्त चिराग पासवान जो है वो काफ़ी तल्ख तेवर दिखा रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ, और कई जो बीजेपी के जो नेता हैं वो चिराग पासवान में के पार्टी में शामिल हुए थे। और वही जब अब जिस तरह से लगातार चिराग पासवान की पार्टी में टूट नजर आ रही है, इकलौते विधायक जो थे राजकुमार जो मटिहानी से विधायक थे वो भी जेडीयू में शामिल हो गए। और जिस तरह से बात कर ले कि पांच जो बागी नेता थे भाजपा के वो भी कहीं ना कहीं अब लोजपा से दूरी बनाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बात कर ले कि जब इस बार चिराग पासवान ने एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में जो पांचों विधायक जो पांचों नेता हैं बीजेपी के बागी जो नेता लोजपा में थे वो नहीं पहुंचे उस बैठक में, उसके बाद जो है चिराग पासवान ने उन्हें शो कॉज का नोटिस भेजा था और 5 दिनों का मोहलत दिया था जवाब देने का। लेकिन अब तक वह जवाब जो है वो पार्टी के जो नेता हैं उनके तरफ से पार्टी को नहीं दिया गया। तो इसका मतलब ये कि जिस तरह से चिराग पासवान लगातार बीजेपी के जो बागी नेता हैं उन पर नोटिस भेजे थे और अब तक कोई जवाब नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि जो बीजेपी के नेता हैं अगर लोजपा कुछ कार्रवाई भी करती है तो अब उनसे फर्क नहीं पड़ता है। क्या कुछ मामला है हम आपको विस्तार से बताते हैं। बीजेपी छोड़कर लोजपा के दामन थामने और फिर चिराग के बाय बाय कहने वाले रामेश्वर चौरसिया वापस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वहीं राजेंद्र सिंह उषा विद्यार्थी समेत कई अन्य नेताओं के लिए भी बीजेपी के दरवाजे खुल सकते हैं। वजह कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले टिकट की आस में लोजपा गए बागी नेताओं की पार्टी से दूरी बढ़ने लगी। ऐसे 14 नेताओं को लोजपा के कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसका जवाब देने की मियाद 5 अप्रैल तक ही थी। यह डेडलाइन जो है बीते भी अब 5 दिन हो गए। यह नोटिस उन नेताओं को जारी किया गया था जिन्होंने 28 फरवरी को लोजपा के विधानसभा उम्मीदवारों की बैठक में हाजिरी नहीं लगाई थी। 135 उम्मीदवारों के लिए बुलाई गई इस बैठक में 14 उम्मीदवार नहीं पहुंचे। इन सभी को लोजपा ने नोटिस थमा पूछा था कि 5 अप्रैल से पहले लिखित रूप से बताएं कि बैठक में क्यों नहीं शामिल हुए। इनमें अधिकतर बागी भाजपाई नेता हैं। पार्टी के शो कॉज का नोटिस का जवाब नहीं देने का मतलब कि इन्हें अब लोजपा की कार्रवाई की चिंता नहीं है। जानकारी के अनुसार नोटिस पाने वाले में दिनारा के प्रत्याशी राजेंद्र प्रसाद सिंह के साथ अमरपुर के प्रत्याशी रहे मृणाल शेखर भी हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे और संगठन के बड़े नेताओं में उनका नाम आता था। इनके अलावा अन्य नेता हैं तेघाड़ा विधानसभा के ललन कुमार, केसरिया से रामशरण प्रसाद यादव, अलौली से रामचंद्र सदा, विभूतिपुर से चंद्रबलि ठाकुर, कल्याणपुर से मोना प्रसाद, कस्बा से प्रदीप कुमार दास, बरारी से विभास चंद्र चौधरी, कदवा से चंद्रभूषण ठाकुर और रानीगंज से परमानंद ऋषिदेव। बीजेपी में इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखने लगा है। हालांकि इस पर बयान देने को कोई तैयार नहीं है। लोजपा जाने वाले बागी नेताओं को लेकर बीजेपी नेताओं के बयान में चुनाव के दौरान जबरदस्त तलखी दिखती थी। इन दिनों बीजेपी के वही नेता इनसे जुड़े सवाल पर चुप्पी साध ले रहे हैं। इन नेताओं ने भी बीजेपी छोड़ने के बाद दल के खिलाफ बयानबाजी नहीं की। प्रवक्ताओं की टोली से लेकर पदाधिकारियों तक इन पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बीजेपी नेता की यह चुप्पी जता रही है कि भले बागियों को अभी हरी झंडी नहीं मिली हो लेकिन इनके प्रति पार्टी में सॉफ्ट कॉर्नर है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान से अधिकांश नेता अपरोक्ष रूप से नाराज चल रहे हैं। एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह ने जेडीयू का दामन थाम लिया। 4 दर्जन से अधिक छोटे बड़े नेता जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी से लोजपा जाने वाले में सबसे पहला नाम सासाराम के उम्मीदवार रामेश्वर चौरसिया ने अपने आप को चिराग पासवान से अलग कर दिया। लोजपा में इन नेताओं को भले ही मोह भंग हो रहा हो लेकिन बीजेपी में इनकी इतनी जल्दी वापसी आसान भी नहीं है। यह सही है कि बीजेपी के अंदर इन नेताओं के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है लेकिन वह बागी हैं जिनकी वजह से जेडीयू को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था।
बीजेपी अगर इन्हें इतनी जल्दी पार्टी में वापस करती भी है तो जेडीयू की नाराजगी का खतरा है। ऐसे में बीजेपी चाहकर भी इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकती है। तो जिस तरह से जो बीजेपी के जो नेता थे जो लोजपा में शामिल हुए, कहीं ना कहीं उनका अब मोह जो है लोजपा से भंग होता नजर आ रहा है। लेकिन बात कर ले कि इतनी जल्दी बीजेपी में एंट्री भी नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि जहां से उनको लोजपा से टिकट मिली थी वहां जेडीयू की करारी हार हुई थी। लिहाजा अगर इन तमाम नेताओं को अगर भाजपा अपने पाले में करती भी है तो जेडीयू की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भाजपा चाहकर भी उन लोगों को अपने पार्टी में नहीं शामिल कर सकती। और भी अपडेट्स देंगे बड़े न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।